वेलकम टू माय क्लास सर। टुडे वी हैव रिंग द फोन। रिंग द फोन द एंटायर क्लास इज डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप्स। लेट्स स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इंट्रोडक्शन। दिस इज योर फर्स्ट टीम मारे बटन। आई एम प्रेजेंट टू मेक यू अ प्लान एंड आई एम टीम आरएम। ओके सेकंड टीम Next team. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखा जाएगा, आपका क्रिएटिव थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स आप कैसे सोचते हो, और नेक्स्ट आपका जो लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी हम चेक करेंगे यहाँ पर, और बैक साइड जैकपॉट भी है, बैक साइड जैकपॉट जैकपॉट क्वेश्चन है जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड है। तो ये आपका जैकपॉट है, इसके अंदर आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन भी होंगे, यानी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल के होंगे। तो इट इज नॉट, जैसे कि आपको पता है दो चैप्टर्स हमारे हो गए हैं, बट अगर आप पीडब्ल्यूडी की बात करोगे तो आउट ऑफ 40 वी आर अवॉर्ड ओनली 20 मार्क्स, बिकॉज रिमेनिंग 20 मार्क्स आर टोटली आउट ऑफ टेक्स्ट बुक बट रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। सो टुडे वी विल सी द डेप्थ ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। हमारा राउंड यहाँ पर गेम करना क्या है, गेम का रूल मैं आपको बता दूँ। आप यहाँ पर You will throw the ring, okay? Either you have to knock the bone, or you have to press the bone, or you have to क्या बोलते हैं उसको ring the bone भी आप कर सकते हो। Ring the bone is difficult, if you are not professionals, इसलिए आप knock भी कर सकते हो, okay? तो जैसे ही आप knock करोगे, यहाँ पर serially numbered bone नहीं है, ये representative arrest है। तो जिस number को भी आप knock करोगे, वो number का question आपके क्वेश्चन जो है जैसे आप देख सकते हो, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन इन्होंने चॉइस किया है, एंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस ग्राफ को देखो और उसका डिग्री बताओ पॉलिनोमियल का।
आप आंसर नहीं करोगे दूसरे। हाँ म्यूजिक स्टार्ट करो, एक मिनट का टाइम। हाँ यस आ सकते हो सामने, थोड़ा बोर्ड चाहिए तो सामने ले लो, बोर्ड चाहिए तो सामने ले लो। थोड़ा कम कर म्यूजिक, बिल्कुल धीमे धीमे बजना। So the answer is 4, full 10 marks to Arya Bhatta team. Fine, your first round is over. Now I invite Mangala Narlekar team. Aiyah, second round. Second question ke liye aaiye. Mangala Narlekar team, aapko second question to sold out hai. Okay, good try. Please, please. Very nice. She has knocked the question number 6, usne knock kiya hai. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 उल्टा होगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका टाइम स्टार्ट होगा। सामने आ सकते हैं बाकी के लोग। ओके नाउ आप लोग दिखता है आपको ये, तो सामने आ जाइए आप लोग, थोड़ा बाकी लोग भी थोड़ा चाहिए तो सामने आ सकते हैं। ऑब्जर्व द ग्राफ केयरफुली, आपको देख के आप मुझे बताओगे कि इसका जीरोस कितना होगा। नो जीरो इज देयर। टेल मी द रीजन व्हाई। बिकॉज़ द ग्राफ डू नॉट टच द एक्स एक्सिस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ, सो इट इज नो जीरोस। फाइन, नाउ फुल 10 मार्क्स टू व्हाट इज योर टीम नेम, देखो दिखाई। मंगला नारलेकर टीम, रामानुजन टीम कम हियर, तो ताली बजा सकते हो आप, दूसरे ने स्कोर किया है तो ताली बजाने में वैल्यू सी मत कीजिए। ठीक है, आप देखिए उसको क्या है, पाई चूज किया है, थोड़ा आप सामने भी आ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 आइए। ऑब्जर्व द ग्राफ केयरफुली एंड टेल मी द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आप बताइए। ठीक है, जिन बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है उनके लिए मैं बता दूं कि ये ग्राफ जो है x एक्सिस पर -2 पे टच कर रहा है और दूसरी जगह +2 पे टच कर रहा है। द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट -2 एंड +2। जब का स्टार्ट, द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट -2 एंड +2, यू हैव टू टेल मी द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आउट ऑफ इट। You can also answer. आपको पता है अभी आप दे सकते हो, वही देना चाहिए, ऐसा नहीं है। Do you know the answer? आपको अगर आता है तो दे सकते हो, नहीं आता किसी को आता है? The graph is intersecting the x-axis at -2 and +2. What will be the quadratic polynomial? डायरेक्टली यू कुड हैव टोल्ड, कैसे यूज किया सर? जो सम होती है द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू द सम ऑफ जीरोस एंड द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 + 2 = -4 होगा। और -2 + 2 = -4 होगा। तो x² - 4 = करेक्ट आंसर। 10 मार्क्स टू रामानुजम टीम, शकुंतला टीम। इसमें x = 2
एंड x इज इक्वल टू माइनस टू, टू सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू टू प्लस x माइनस टू हो गया, x प्लस टू हो गया, दोनों का प्रोडक्ट लेना है। देखो तुम्हारे पास चॉइस है, इसमें से एक क्वेश्चन को भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से नॉट कर सकते हो तुम। हाँ, वेरी नाइस, शी हैज सेलेक्टेड क्वेश्चन नंबर 1, उसको उल्टा करो। एंड आपका सुनो, एक मिनट फर्स्ट टाइम तब शुरू होगा जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ओके? तो क्वेश्चन मैं आपको लिए पढ़ देता हूँ, या तो नजदीक आप आ सकते हो कुछ बच्चे। आपको हमने कुछ फिगर्स दिखाया है डे टू डे लाइफ में, जैसे हमने कुछ योगासन दिखाया आपको, यहाँ स्विमिंग पूल से जंप करना है और यहाँ हनी भी है। ये डे टू डे लाइफ में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी ग्राफ को बता रहे हो, उस ग्राफ का नाम हम आप आपको बताएंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट राउंड, तो इसके ऊपर आपको जरा थोड़ा अपना सोच, डेप्थ ऑफ थिंकिंग हमने देखा, इमेज को पढ़ सकते हैं क्या, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी टेक्सटबुक में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। हेलो व्यूअर्स, on the screen you can see two questions which I was not able to cover because total 6 questions were there and 4 teams were there. In my forthcoming video you will see the questions on critical thinking ability, problem solving ability, logical reasoning ability, also higher order thinking skills in the form of jackpot. You can also see in the screen the preparations that were done before the game was conducted. You can see the children, small children, helping me out in marking the ground. So my sincere thanks to all these children and the staff who are involved in preparation of the ground. You can see here they are trying to draw the pictures as well as some rings they are trying to do. It is quite essential for the children to learn the competency based questions. So in my forthcoming video I will try to show how I have organized the two topics, polynomials as well as real numbers, based upon the requirement of CBSE. Actually, when we cover a topic, it covers only 50% from the textbook. Remaining 50% are competency-based questions, reasoning ability-based questions, critical thinking ability-based questions, creative thinking ability-based questions, situational-based questions, or what we call competency-based questions. Also, assertion and reason are also there. So I will try my level best to inculcate all these things in my forthcoming video. In my next video, you will be able to see how the students are able to answer the questions which are not in the textbooks, but the deep knowledge from the textbooks will help them to solve the problems. All the questions will not be from textbooks, but definitely the knowledge of whatever they have studied in the classroom, they will be able to use their competencies to solve these questions. So goodbye for today. Hope to see you in my next video.